नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2019 के लिए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पिछले 2 माह के भीतर जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें करंट अफेयर के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से करंट अफेयर की तैयारी करनी है और किस सेक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इसका पहला भाग होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इसी तरीके से ये जो सीरीज है ये करंट अफेयर की चलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है दुबई में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सितंबर माह में एक न्यूज आई थी कि ये जो अस्पताल है दुबई में इसको और बड़ा किया जा रहा है और शायद इसी वजह से इसको पूछा भी गया। अगला प्रश्न है कि 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है। तो वर्ष 2019 में पिछले 4 वर्षों के जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता हैं उन सभी को पुरस्कार दिए गए हैं और 2018 के लिए ये मिला है योही सासाकावा को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट है जिनको ये पुरस्कार मिला है। 2015 के लिए मिला है विवेक नंदा केंद्र जो कि है कन्याकुमारी में। 2016 के लिए मिला अक्षय पात्र फाउंडेशन को। 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को और 2018 के लिए मिला है योही सासाकावा को। अगला प्रश्न है कि मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो ये शपथ ली है प्रमोद सावंत ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मनोहर पारिकर के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत के किसी राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो IIT ग्रेजुएट थे। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया। तो ये इसका दूसरा संस्करण था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च विल बूस्ट एजुकेशन फॉर स्पीच इम्पेयर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली का 4था सत्र के बारे में पूछा जा रहा है और इसका आयोजन हुआ केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 11 से 15 मार्च के बीच में केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। तो ये आपको याद रखना है कि दौरे सारे जो होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पराग्वे की राजधानी है असंसियन जहां का उपराष्ट्रपति MV नायडू ने दौरा किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने CNES के साथ एक समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रांस की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान देश UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया। तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर था भारत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें पार्टिसिपेट किया था उस समय की जो हमारी विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने। और OIC के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, यानी कि विश्व के वह देश जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन सभी देशों का एक समूह है और इसके मेंबर की संख्या है 57। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो ये रखी गई है उत्तरी कोयल नदी पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य में है तो ये है झारखंड के पलामू में और इसका उद्घाटन किया था 5 जनवरी को। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 11वां ब्रिक्स समिट होगा जिसका आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया जाएगा। और थीम अगर आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, थीम है ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर।
अगला प्रश्न है, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो मुकुंद पद्मनाभन के बाद में द हिंदू समाचार पत्र के संपादक बने हैं सुरेश नामबाद। क्या नाम है? सुरेश नामबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? तो सिंपल शब्दों में इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तलाक है इसको असंवैधानिक घोषित किया था। तो ये घोषित किया था 2017 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मिलेगा जजमेंट डेटेड 17 अगस्त 2017 को जो डिसीजन दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 तलाक को, जिसे हम लोग तलाक ए बिद्दत भी कहते हैं, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितना साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो ये जश्न मनाया है 150 साल पूरे होने के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल कंप्लीटेड 150 ईयर यूनेस्को लॉन्चेड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन। चलिए पीरियोडिक टेबल कब बना था इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इनका आयोजन होगा जापान की राजधानी टोक्यो में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ये इनकी पुस्तक का आप कवर देख सकते हैं जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यवाही के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा किया? यानी कि सिंपल शब्दों में यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये कौन राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जिन्होंने गूगल के ऊपर $50 मिलियन के लिए मुकदमा किया था। तो इनका नाम है तुलसी गाबार्ड, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये है तुलसी गाबार्ड और ये न्यूज है जनवरी की। तुलसी गाबार्ड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीज गूगल टू $50 मिलियन। अगला प्रश्न है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कौन थे? तो इनके पहले अस्थाई प्रतिनिधि यहां पर थे अशोक कुमार मुखर्जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं सैयद अकबरुद्दीन के बारे में तो ये IFS ऑफिसर हैं और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था 1 जनवरी 2016 को। और आप देख सकते हैं कि 2016 की न्यूज़ यहां पर पूछ ली गई है। अब करंट में कौन है ये तो लगभग सब याद रखते हैं, लेकिन उन्होंने किसको रिप्लेस किया था वो भी 3 साल पहले, तो ये शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कठिन प्रश्न था। अगला प्रश्न है, 2019 में गुट निरपेक्ष के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बैठक हुई थी अभी जुलाई माह में ही और इसका आयोजन किया गया था वेनेजुएला में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 2019 में जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है नैम की, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की, ये हुई थी वेनेजुएला की राजधानी कराकस में। लेकिन इसी माह अक्टूबर में ये होने वाली है कहाँ पर? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो ये आपको याद रखना है, अजरबैजान में ये समिट होने वाली है जो कि इसकी नेशनल समिट होगी। और ये किसकी थी? ये मंत्रियों की समिट थी। अगला प्रश्न है, 5 प्राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें से एक है भारत, एक है नेपाल, एक है मलेशिया, एक है इंडोनेशिया और पांचवा देश इसमें कौन है? तो पांचवा देश इसमें है भूटान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं पांचों देशों ने इसे साइन किया था, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो ये दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं स्टीव स्मिथ, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास में पुराना डेटा रहा होगा तो सबसे तेज बल्लेबाज बन गए थे कौन? विराट कोहली। कौन बना था? विराट कोहली। लेकिन अभी जो SS सीरीज हुई है उसमें इन्होंने स्मिथ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली का। विराट कोहली ने 127 इनिंग ली थी लेकिन मात्र 119 इनिंग में इन्होंने 25 टेस्ट शतक पूरे कर लिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था और ये राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम लोग RRB PO एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं।
तो इनमें पहला प्रश्न था कि 8वीं आरसीईपी क्षेत्रीय इंटरसेशनल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन किया गया चीन के बीजिंग में, यानी कि सही उत्तर इसका था बीजिंग। और 9वां जो हो रहा है वो होगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। यात्रा व पर्यटन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें स्पेन का स्थान रहा पहला और भारत इसमें रहा 34वें स्थान पे। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तो ये आपको मिलेगा हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। भारत का पहला हाइपर लूप प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने भारत का जो पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनेगा इसकी स्थापना यानी कि इसका निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र में। अगला है यूनिसेफ का बच्चों के अधिकारों पर दक्षिण एशियाई संसदीय सम्मेलन कहां पर हुआ, तो ये हुआ है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। अगला है पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस आईआईटी ने दिया, तो इन्हें आईआईटी कानपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। अगला है बगुरंबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बगुरंबा लोक नृत्य है असम का। अगला है किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न दिया गया, तो इनका नाम है केशव दत्त। फिर है सिंगफान वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो ये आपको मिलेगा नागालैंड में। इलेक्ट्रिक वाहन का नंबर प्लेट कैसा होगा, तो इसके बारे में जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उन्होंने ये कहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनका नंबर प्लेट ग्रीन कलर का यानी कि हरे रंग का होना चाहिए। BS6 के बारे में पूछा गया है, तो BS6 कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2020 से। और भारत में सबसे पहले जो BS6 मानक की बाइक आई है उसे जारी किया है हार्ले डेविडसन ने, और जो हैवी ट्रक है उसे अशोक लीलैंड ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है नालको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन का खनिज संपदा के लिए जो संयुक्त उपक्रम ये बनाएंगे यानी कि इनका जो ज्वाइंट वेंचर है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है काबिल, यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है एप्पल ने गोल्डमैन सैक्स व अन्य किसके साथ पहला जो अपना क्रेडिट कार्ड है उसे लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया था किसके साथ मिलके, मास्टर कार्ड के साथ में मिलके। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि जो BPSC के प्रश्न थे उनको मैंने ऑप्शन के साथ डिस्कस किया, लेकिन ये जो प्रश्न है इनको मैं केवल वन लाइनर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो BPSC का एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन था, तो उसका प्रश्न पत्र मुझे मिला था, और जो ये RRBPO और LIC HFL का एग्जाम था वो होते थे ऑनलाइन, तो वहाँ पे केवल क्वेश्चन ही मिलते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग वन लाइनर में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं और आप चाहते हैं कि उनके प्रश्नों को भी हम डिस्कस करें, तो नीचे आपको ईमेल ID मेरी मिल जाएगी, उस पर आप उन प्रश्नों को मेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बाघ हैं, तो सबसे अधिक बाघ हैं कहां पर, मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर हैं कर्नाटक में। अगला प्रश्न है इलेक्टोरल बांड योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति किस राशि से ज़्यादा पार्टी को नगद चंदा नहीं दे सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहता है और वह चंदा 2000 से कम है तो वह उसे नगद में दे सकता है, लेकिन अगर वह 2000 से ज़्यादा धनराशि को चंदा के रूप में देता है तो फिर उसे यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, तो 2000 से ज़्यादा के लिए उसे खरीदना पड़ेगा और इससे ज़्यादा ये नगद चंदा नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है कि नए युग के डिजिटल हब निर्माण के लिए इंडिया पोस्ट का किसके साथ समझौता हुआ है, तो ये समझौता किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से। अगला प्रश्न है मद्रास हाईकोर्ट द्वारा किस चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया अप्रैल में, तो ये लगाया गया था किसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और टिकटॉक के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था कि इसकी पैरेंट कंपनी कौन है, तो बिट डॉन्स इसकी पैरेंट कंपनी है। अगला प्रश्न है पुथांडू किस राज्य का नया वर्ष है, तो पुथांडू नया वर्ष होता है तमिलनाडु का। अगला है 2020 का G20 समिट कहाँ पर होगा, तो ये होगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, और इससे पहले कहाँ पर हुआ था, जापान में। अगला प्रश्न है कमिंग राउंड द माउंटेन इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो दोनों पुस्तकें जो हमने पहले डिस्कस की थी, गैलरी वाली द गैलरी ऑफ रास्कल्स वो भी रस्किन बॉन्ड की थी, और कमिंग राउंड द माउंटेन ये भी रस्किन बॉन्ड की है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। कैश वोट की वजह से इस बार किस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ, तो ये था बेल्लौर, यानी कि सही उत्तर होगा बिल्लौर। कुल वैसे हमारे यहाँ पर 543 हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार 542 के ही रिजल्ट आए थे। अगला प्रश्न कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, तो इनका नाम है नजमा अख्तर, और ये यूनिवर्सिटी आपको कहाँ पर मिलेगी, उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, किस संस्था ने, सॉरी दिल्ली में, अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने 100वीं स्थापना की वर्षगांठ मनाई। तो ये वर्षगांठ किसने मनाई है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, अक्टूबर माह में। अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित गृह अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? आदर्श कुमार गोयल। विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डेविड माल्थस। और इसकी जो CEO थी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये IMF की अब MD बन गई हैं। और अंशुला कांत जो कि भारत की हैं, ये MD और CFO बनी हैं, किसकी? विश्व बैंक की। इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर ये घटा के कर दी गई है 5% इस बार के बजट में। और जो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर होते हैं उन पे पहले था 18% GST, उसको भी 5% कर दिया गया है, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर था 12%। अगला प्रश्न है, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो त्यौहार है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। फिर है, पानी फिल्म मराठी को पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसकी जो प्रोड्यूसर है वो है प्रियंका चोपड़ा, लेकिन इसके निर्देशक कौन है? तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ प्रश्न था, और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है आदिनाथ कोठारे। वियतनाम की राजधानी पूछी गई है तो ये है हनोई। एक देश एक राशन कार्ड पायलट बेसिस पर कितने राज्यों में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 4 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। द अगमेंटिव इंडियन के लेखक, तो ये हैं अर्थशास्त्र में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। और दूसरे कौन बन गए हैं? अभिजीत बनर्जी, और उनकी पत्नी है डफलो, एस्टर डफलो। तो उन्हें इस वर्ष पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न है कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। फिर है, किस भारतीय एयरपोर्ट को सबसे ऊंचा ATC टावर मिला है? तो ये मिला है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में, और इसकी ऊंचाई है 103 मीटर। और मुख्य रूप से जो ये ATC होता है, इसका पूरा नाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि ट्रैफिक को, इससे जो हवा में ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। टाइम मैगजीन के 100 स्मारकों में भारत का कौन सा स्मारक है? तो भारत के इसमें दो हैं, एक तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी और एक है सोहो हाउस। रॉबर्ट मुगाबे जिनका निधन हुआ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिम्बाब्वे के। विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और ये मनाया कब जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है, तो ये होता है 5 सितंबर को, और उस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। अगला प्रश्न है, लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है अनुपम खेर की। फिर है, किस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया? तो ये स्टेडियम था दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला इसका नाम था। पहला हेलीकॉप्टर समिट ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ है देहरादून में। और जो एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है अपाचे, उसको हमने किससे लिया है? अमेरिका से। और उसको बनाया किसने है? बोइंग ने। फिर है, श्री हरि नटराज किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते थे, और ये खेलते हैं तैराकी, यानी कि ये है स्विमर और इनका खेल है तैराकी। अगला है कि भारत का पहला 3D ट्रैफिक सिग्नल किस विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित है? तो ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा। फिर है, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कहां पर ये पूछा गया था? ये अभी पूछा गया था BPSC में, और इसमें भी ये पूछा गया है। होवरबोर्ड से इंग्लिश चैनल को पार करने वाली फ्रेंकी जपाटा किस देश के हैं? तो ये हैं फ्रांस के। अगला है, चिरोपल्ली व रापरू के बीच भारत की सबसे लंबे इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल किस राज्य में है? तो इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, और ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में। अगला है, हरियाणा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में साझेदार देश कौन होगा? यानी कि किस देश को यहाँ पर पार्टनर कंट्री बनाया गया है? तो वो देश है पड़ोसी नेपाल। अगला है, US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कि है सर्बिया के खिलाड़ी, और महिला एकल का जीता बियांका एंड्रोशू ने, जो कि है कनाडा की खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, मोतिहारी बिहार से नेपाल के अमलेखगंज जो पाइपलाइन जाएगी, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 69 किलोमीटर। रूपटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें शीर्ष राज्य है गुजरात। सिलिनेक्स 2019 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, और इस वर्ष इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए थे? तो ये तीन अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए थे। एक तो है बेनिन, उसके बाद में था
गाम्बिया और था एक गिनी कोनार्की, और गिनी कोनार्की ने अपने यहाँ का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसे भी दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अगला था जगदीप धनखड़ किस राज्य के गवर्नर है, तो ये गवर्नर है पश्चिम बंगाल के। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। तो इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो हमारे स्टेट एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे लगभग एक साल से ज़्यादा के पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे सामान्य वन डे एग्जाम है उनमें आपको प्रश्न पिछले 3-4 महीनों के करंट से देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।